दरअसल एक कार्यक्रम था अटेवा का, जिसको यहाँ के हमारे जनपद के जिला अध्यक्ष नीरज राज जी ने प्रेषित किया था सबकी मनसा से, कि एक हम लोग के मुखिया और हम लोग के अभिभावक आदरणीय माननीय योगी जी का आगमन हो रहा था, तो उसमें चुनावी सभा थी। बाद में तो शाम को हमारे पास प्रशासन के लोगों का फ़ोन आया, कथित रूप से शहर कोतवाल मऊ का, 6-7 बजे की क्या कार्यक्रम है, तो ऐसा कुछ है क्या ज्ञापन देने का, तो बात हुई उस पर। फिर 10 बजे तक ये निर्णय लिया गया आपस में बात करके कि हम लोग ठीक है, हम लोगों को अपनी बात कहनी थी कि पुरानी पेंशन से संबंधित हम लोगों के अभिभावक आ रहे थे, तो उनके कान तक पहुंचा दिया जाए सरलता से। वैसे तो हमेशा चलता रहता है कार्यक्रम, आप लोग देखे ही हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको उचित नहीं रहेगा, कार्यक्रम में व्यवधान पैदा हो सकता है। तो हम लोग कहे ठीक है भाई, जब प्रशासन की मंशा है तो हम लोग इसको स्थगित कर देते हैं। उसके बाद लगभग मैं मैसेज भी उनको किया, उसको विभिन्न ग्रुपों में डाला गया कि अपरिहार्य कारणों से ज्ञापन कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। तत्पश्चात मैं रात में सोया हुआ था, 2 बजे के आसपास मेरे घर कुछ पुलिस वाले मेरे भाई आए, उन्होंने भी अपना पूछा वगैरह, तो संतुष्ट होकर चले गए। फिर मैं सुबह विद्यालय गया तो वहाँ पुलिस वाले हमारे भाई आए, कहे कि ऐसा है कि कोई वही पुरानी बातें कि ज्ञापन देने का, हम कि नहीं, हो तो रात में बात के अनुसार उसको पोस्ट कैंसिल कर दिया गया था, उसका ग्रुप में मैसेज भी दे दिया गया था, संबंधित इंस्पेक्टर महोदय को उसकी जानकारी भी दे दी गई थी, उन्होंने ओके लिख के भेज भी दिया था। तो उसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई की, अपना रहे साथ में सहयोग किया, बैठे रहे और विद्यालयी कार्य का निष्पादन हम लोगों ने अच्छी तरह किया। आप सभी लोगों का धन्यवाद। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन इस समय न केवल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। ऐसे में जो मेरा राष्ट्रीय संगठन पुरानी पेंशन बहाली की दशा में 6 राज्यों में पेंशन बहाल करा लिया है, ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में हम 13 लाख शिक्षक और कर्मचारी होते हैं, और ये हमारी पुरानी पेंशन की मांग कोई नई मांग नहीं है, यह तो अंग्रेज़ों ने भी पुरानी पेंशन हमें व्यवस्था दी थी। आज जब हमारा देश विश्व स्तर पे कीर्तिमान बना रहा है और विश्व गुरु बनने की राह में है, ऐसे में जब हम पुरानी पेंशन की मांग करते हैं तो यह कोई गलत बात नहीं है। और हम लोगों का हर रोज़ का यह कार्यक्रम हो रहा है अटेवा का, हम अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग ब्लॉक स्तर पे हर रोज़ कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं, अपने माननीय लोगों को ज्ञापन देने का कार्य करते हैं।